हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस टेक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब कभी आप रेलवे टिकट बुक करते हैं तो एक यूनिक 10 डिजिट का PNR नंबर उसमें शो होता है, जिसकी मदद से आप अपने टिकट के बुकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी जान पाते हैं, जैसे कि सीट नंबर, ट्रेन नंबर, बुकिंग स्टेटस इत्यादि। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम अपना सामान ट्रेन द्वारा कहीं पार्सल करते हैं तो पार्सल ऑफिस से हमें एक यूनिक 10 डिजिट का PRR नंबर जनरेट होता है, जिसकी मदद से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका सामान किस ट्रेन द्वारा आ रहा है या आपका सामान कहां तक पहुंचा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे parcel.indianrail.gov.in। आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं parcel.indianrail.gov.in। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा है इंटर योर 10 डिजिट PRR नंबर। यहाँ पे आप 10 डिजिट का PRR नंबर को एंटर करेंगे, जो कि आपको बुकिंग काउंटर से प्राप्त हुआ होगा, पार्सल बुकिंग काउंटर से। यहाँ हमने अपना 10 डिजिट का PRR नंबर एंटर कर दिया। यहाँ आप ट्रैक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पे आप PRR नंबर, जो आपका PRR नंबर है वो यहाँ पे शो होगा। आपका बुकिंग डेट, आपने कब बुक किया है वो यहाँ दिख रहा है। फ्रॉम स्टेशन, कहाँ से कहाँ तक डेस्टिनेशन स्टेशन, कहाँ से कहाँ तक हमारा सामान जाएगा वो यहाँ पे शो हो रहा है। आपका नाम यहाँ शो होगा और आपने क्या आइटम को पार्सल किया है वो यहाँ पे शो होगा। टोटल कितना आइटम आपने पार्सल किया है वो यहाँ पे शो होगा। ये आपका स्टेटस शो होगा यहाँ पे, जिसमें कि आपका ट्रेन नंबर, किस कोच से गया है आपका सामान वो यहाँ पे शो होगा, लोडिंग डेट क्या था, लोडिंग स्टेशन क्या था, सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कितने आसान तरीके से हम अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।